नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी हम बात करेंगे और जिस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत विशाल प्रोजेक्ट है। अपने आप में जिन प्रोजेक्ट्स की मैं आप लोगों से आजकल बात कर रहा हूं, इस दौरान बात कर रहा हूं, पिछले 10 वीडियो से, वो सारे प्रोजेक्ट अपने आप में बड़े प्रोजेक्ट है। वो सारे प्रोजेक्ट अपने आप में आपको एक एक प्रोजेक्ट MDRT करा सकते हैं, आपकी जिंदगी में एक नई दिशा आपको दे सकता है एक एक प्रोजेक्ट। इस तरीके के ये प्रोजेक्ट है, तो आज का प्रोजेक्ट भी उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोजेक्ट की नॉलेज मुझे कहाँ से मिली, एक एक बहुत बड़े, एक अभी भी उनको हाईएस्ट ही माना जाता है, गिडियन प्लेसिस। आपने नाम पता नहीं सुना होगा या नहीं, पर बट वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले इंश्योरेंस एजेंट है, गिडियन प्लेसिस। अब उन्होंने, मैं बात कर रहा हूं आज से 25 साल पहले की, 25 साल पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल मैंने एक बार कहीं पे पढ़ा था, जिस आर्टिकल से मेरी लाइफ में चेंज आया और मैंने ये डिसीजन लिया कि उसके ऊपर काम करूंगा, जिस काम का मुझे मार्वलस रिजल्ट मिला, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, समझना। ये आर्टिकल था लोन लायबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में। कौन सा प्रोजेक्ट? लोन लायबिलिटी प्रोजेक्ट। कई साल पुरानी बात है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने बताया और कई सारे, फिर धीरे धीरे करके वो फैलने लग गया पूरे के पूरे विश्व में। कई लोगों ने बुक्स में डाल दिया, कई लोगों ने कोर्सेज में डाल दिया, कई लोगों ने अलग अलग जगहों पे डाल दिया। बट इसकी ओरिजिनलिटी अगर हम बात करें, ओरिजिनलिटी की बात करें, तो फिर ये गिडियन प्लेसिस से आया। क्या था उसमें? उन्होंने दो शब्द यूज किए, पहला NPA, दूसरा DRT। और मैंने इस NPA और DRT को भुनाया। अब आप लोगों को भी पता होना चाहिए ये NPA और DRT क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये NPA DRT क्या है, फिर मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग पे लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको क्लाइंट पे लेके जाऊंगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से करेंगे। तो NPA तो आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको हम कहते हैं कि जो बैंक में लोग पैसा नहीं चुका पाते वो NPA हो जाते हैं, कई सारे लोगों ने सुना होगा। तो NPA बैंक वालों के लिए, बैंक के मैनेजर के लिए बड़ा कॉमन सा वर्ड है। और हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो जिसके लिए कॉमन शब्द है ना, अगर आप उसके सामने बैठ के वो वर्ड यूज करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। इसलिए दो वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दो पॉइंट्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो NPA, दूसरा क्या है? DRT। DRT क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये डेट रिकवरी, डेट बोले तो DEBT वाला, ठीक है, जो कर्ज जो होते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब समझने वाली बात यह है कि DRT और NPA दो चीजें बैंक्स के मैनेजर को पता होती है, DRT के डिपार्टमेंट उन्होंने बना रखे होते हैं, ठीक है, रिकवरी के लिए। अब आपने करना क्या है? आपने उन सारे लोगों का बीमा करना है जिन्होंने लोन ले रखा है। सोचो, आज हर घर पे आदमी ने लोन ले रखा है, नहीं ले रखा, हर किसी ने होम लोन ले रखा है, हर किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है, हर किसी ने कार लोन ले रखा है, हर किसी ने बिजनेस लोन ले रखा है, किसी ने CC लिमिट ले रखी है, OD लिमिट ले रखी है। इन सारे के सारे लोन वाले लोगों को कैप्चर करना है या नहीं करना? कैसे कैप्चर करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समझते हैं, DRT आपको समझ में आया, NPA समझ में आया, ठीक है, दोनों के बारे में हमने बताया। अब हम करते हैं कि इनको हम यूज कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको आपके एरिया में जो भी बैंक्स हैं या जितने भी बैंक मैनेजर्स आपको मिल सकते हैं, जितने भी बैंक मैनेजर्स पे आप जा सकते हैं, छोटे छोटे बैंक्स में जा सकते हैं जिनका टाई अप नहीं है, जैसे ICICI में अगर आप जाएंगे तो उन्होंने लोम्बार्ड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, या ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो उनका टाई अप है, वो वहां से दे देते हैं। बट कई सारे ऐसे बैंक हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनके टाई अप्स नहीं है, छोटे छोटे बैंक हैं, उनमें आप जा सकते हैं। अब वहां पे जाके आपको बैंक मैनेजर से मिलना है और उन्हीं की भाषा में बात करनी है कि सर NPA की क्या सिचुएशन है। वो बोले मतलब यार सिचुएशन तो ऐसी है, पता ही है NPA किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहना सर DRT में तो बहुत ज्यादा इश्यूज आते होंगे। अब देखो DRT NPA उसके दिमाग के साथ आप खेल रहे हो कि बॉस मुझे इस सब के बारे में पता है, यानी मैं तो बैंक वालों से रोज डील करता रहता हूं, यानी बैंकों में तो मेरी इतनी बातचीत है, बैंकों के DRT और इसके बारे में तो मुझे सब पता है। अब जैसे आपने दो वर्ड यूज किए तो उसकी लिसनिंग क्रिएट हो गई। अब बोलो सर अगर मैं DRT का इश्यू खत्म कर दूं, तो अगर मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे दूं कि जितने भी लोन वाले लोग हैं उन सब लोगों का बीमा करके, इंश्योरेंस करके, अगर मैं पॉलिसी को आपके बैंक के नाम पे असाइन करा दूं तो कैसा रहेगा? वो कहेगा इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। कहना सर अगर उस आदमी को कुछ हुआ तो आपके बैंक को पैसा मिल जाएगा, और अगर सब चीजें सही चलती हैं तो कोई बात ही नहीं है, आपका पैसा वापस आ जाएगा नॉर्मल प्रोसेस में।
बोले बात तो सही है। तो कहना सर ऐसे में आपके डीआरटी का इश्यू खत्म, एनपीए का इश्यू खत्म। बोले सही बात है। तो आपको करना सर यह है कि उन लोगों का मुझे आप डेटा दें जिस जिस डेटा के ऊपर मैं काम करूंगा और उन पॉलिसीज को असाइन करने की मैं जिम्मेवारी लेता हूं और मैं कहीं ना कहीं आपको एश्योरेंस देता हूं कि मैं उसके ऊपर काम करूंगा। आप मुझे 10 लोगों के नंबर दीजिए, मैं उन पे काम करके आपको बताता हूं कि मैंने उसमें से क्या निकाला। पहला। दूसरा, लोन होल्डर जो होते हैं, जिन लोगों ने लोन लिया होता है उनका डेटाबेस अवेलेबल है मार्केट में। आप ढूंढेंगे, डेटाबेस प्रोवाइडर्स के पास जाएंगे तो आपको लोन लेने वाले लोगों का अथाह डेटा मिलेगा। बहुत डेटा मार्केट में अवेलेबल है, उनको आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए, बैंक मैनेजर से आप मिल सकते हैं, दूसरा आप इनसे मिल सकते हैं। तीसरा आप किससे मिलोगे, बहुत सारे डीएसए होते हैं, डायरेक्ट सेल्स एजेंट डीएसए होते हैं, लोन के डीएसए तो बहुत ज्यादा होते हैं जो लोन का काम करते हैं, उनके पास बहुत डेटा होता है, बहुत डेटा होता है। वो लोन को शिफ्ट भी कराते रहते हैं, जिसे कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर, बीटी। तो बीटी भी एक वर्ड है, वो भी नोट कर लो। तो बीटी जो है वो बैलेंस ट्रांसफर है, तो वो यहाँ का बैलेंस वहां पे, वहां का बैलेंस वहां पे ट्रांसफर कराते रहते हैं। ऐसे इंश्योरेंस जो डीएसए होते हैं, लोन वाले जो एजेंट होते हैं, इनके पास भी आपको अच्छा खासा डेटा मिल सकता है। इन तीन जगहों से आप करोगे प्रोस्पेक्टिंग। पहले आपको मैंने बताया एनपीए डीआरटी के बारे में, फिर आपको बताया मैंने कि आपको बैंक मैनेजर से क्या बात करनी है, फिर मैंने आपको बताया कि डेटाबेस बैंक मैनेजर के अलावा और कहां कहां से ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं इस डेटा के ऊपर करोगे क्या। जाना है आपको, आपको अपने क्लाइंट से जो भी प्रोस्पेक्ट है उनसे बात करनी है, उनको एक एग्जांपल से बताना है कि सर ये जो लोन है, सिंपल सिंपल मैं आपको दो तीन एग्जांपल बताता हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। दो एग्जांपल्स में उस बात को खत्म करेंगे कि सर ये जो लोन है, ये लोन एक पत्थर की तरह है। अब ये जो पत्थर है ये आपने उठाया हुआ है, ये पत्थर आपने, मैं कोशिश करूंगा इसकी इमेज भी आपको दे सकूं, जो इमेज मैं यूज करता रहा, कि ये पत्थर आपने उठाया हुआ है। अगर कल को आपके ऊपर है ये पत्थर टिका हुआ, अगर कल को आपके साथ कुछ होता है तो या तो ये पत्थर आपके परिवार पे गिरेगा, यानी आपका परिवार इसके नीचे आ जाएगा, कल को जो घर है वो बिक जाएगा, कल को जो कार है वो बिक जाएगी, कल को जो भी आपने प्रॉपर्टीज बनाई है वो बिक जाएगा, या फिर यही पत्थर अगर कल को आपको कुछ होता है तो मेरी एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, मेरी LIC ऑफ इंडिया है, वो कंपनी अपने ऊपर लेने को तैयार है। तो आप क्या चाहते हैं कि कल को अगर ये पत्थर गिरे तो आपके परिवार के ऊपर गिरे या इस कंपनी के ऊपर गिरे? क्या बोलेगा वो? वो बोलेगा यार कंपनी के ऊपर गिरे। कह रहा सर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मैं ये पूरी जिम्मेदारी इस पत्थर की कंपनी लेने को तैयार है, आपको करना सिर्फ इतना है। इस तरीके से आप उसे कन्विंस कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल मैं बिजनेसमैन का दूंगा, आम आदमी का तो बता दिया। दूसरा, बिजनेसमैन के पास जाओ और सिंपल सी एक बात करो कि सर आपने अपनी कंपनी में फायर इंश्योरेंस, बगलरी इंश्योरेंस कराया है? बोले हाँ कराया है। ना सर किस चीज का कराया है? बोले स्टॉक का कराया है, फायर इंश्योरेंस इसका, प्रॉपर्टी बिल्डिंग का कराया है, जो माल पड़ा है, मशीनरी पड़ी है उसका कराया है। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसके साथ साथ आपने बगलरी कराया होगा? बोले हाँ बिल्कुल कराया। कह रहा सर मान लीजिए फायर बगलरी आपने करा रखा है, कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके यहीं पे आपने जो भी प्रोजेक्ट, आप जो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट पे आपने अपने बंदे लगाए हुए हैं, और वहां पे कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से उस प्रॉपर्टी में आग लग जाती है या उस प्रॉपर्टी में आपके जो लेबर है उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, कल को आपके ऊपर कोर्ट में केस हो जाता है कि आपने उसका इंश्योरेंस कराया? बोले नहीं यार उसका तो नहीं कराया। क्या ना सर अब सोचो आपने यहां का इंश्योरेंस करा रखा है, वहां का इंश्योरेंस नहीं करा रखा, यानी कि आपका ये इंश्योरेंस अधूरा है आपने। और अब दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं कि आपने कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करा रखा है? तो वो बोलेंगे 3 करोड़ का, 5 करोड़ का। क्या ना सर आप चेक कीजिए रियल में आपने उस अमाउंट का इंश्योरेंस करा रखा होगा जितने अमाउंट का बैंक ने आपको लोन दिया है। यानी कि अगर इसके फैक्ट्री में 10 करोड़ का माल पड़ा है ना स्टॉक, तो ये सिर्फ 5 करोड़ का इंश्योरेंस करा के रखता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने 5 करोड़ का लोन दिया होता है, 5 करोड़ इसने कैश में लिया होता है, तो जितना बैंक का अपना इंटरेस्ट होता है बैंक वाले प्रेशर देके उतने का तो इंश्योरेंस करा लेते हैं। ये जो बिजनेस का मालिक है ये भी उतने का इंश्योरेंस करा लेता है, और बाद में अंडर इंश्योरेंस क्लॉज एप्लीकेबल हो जाता है जिसकी वजह से उसको क्लेम भी आधा मिलता है। ये बात उसको बताते हुए बोलो कि सर पूरा इंश्योरेंस कंप्लीट इंश्योरेंस होना चाहिए, सेम लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई होता है। पहले जनरल की इंपॉर्टेंस से समझाओ, फिर उसे लाइफ पे लेके आओ कि सर सेम लाइफ पे होता है। लाइफ में आपने ओडी लिमिट ले रखी है, आपने सीसी लिमिट ले रखी है, आपने साथ ही साथ पर्सनल लोन ले रखे हैं, बिजनेस लोन ले रखे हैं आपने, ये जितना भी सर लोन पे इकट्ठा किया है आपने इसके लिए फटका डिक्लेरेशन दे रखी है। कौन सी फटका डिक्लेरेशन?
और जितने भी बिजनेसमैन है उन्होंने अपना सब उनका इनफैक्ट उनकी जो पर्सनल एसेट्स है ना वो भी दाव पे लगी हुई है। जिस मोमेंट आपने उनको ये बताया ना, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक चलता है हमारा बीमा गुरुकुल में, तो जिस दिन आपने ये बताया ना उनको, उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि यार ये तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। क्या ना सर, इतने अमाउंट का कल को अगर भगवान ना करे कुछ होता है तो आपके परिवार में इतना पैसा आ जाए और परिवार ये सारी की सारी चीजों की पूर्ति कर दे, आप वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो बिजनेसमैन को लोन लायबिलिटी कैसे सेल करोगे, इस तरीके से, और एक आम आदमी को कैसे सेल करोगे वैसे। अब आम आदमी को सेल करो या फिर बिजनेसमैन को सेल करो, हमेशा परसेंटेज में फिगर बताओ। कार का इंश्योरेंस के लिए कितना परसेंट लगता है? 4% से 5% लगता है, 4% से 5% की कॉस्ट आती है कार के इंश्योरेंस में। इसी तरीके से फैक्ट्री के इंश्योरेंस में भी 2% की कॉस्ट आ जाती है। जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो टर्म इंश्योरेंस की कॉस्ट आती है 40 पैसे की 50 पैसे की, 0.5%। बताओ उसको कि सर कार के लिए आप 5% दे रहे हो, मैं आपसे 0.5% में आपको एश्योर कर रहा हूं, और इस तरीके से परसेंटेज में बताते हुए आप काम करो। तो दोस्तों इस तरीके से DRT, NPA, BT, बैंक मैनेजर्स, डेटाबेस, DSAs, इनको यूज करते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर छा जाइए, जाइए इन तरीकों से कन्विंस कीजिए क्लाइंट को। जितना मैं 10 मिनट के वीडियो में बता सकता हूं मैं बताने की कोशिश करता हूं। अब मैं 2.5 घंटे का सब्जेक्ट, 2 घंटे के सब्जेक्ट, जो एक्सट्रीम नॉलेज वाले सब्जेक्ट हैं, वो पूरा का पूरा तो 10 मिनट के वीडियो में नहीं दे सकता, बट यस मेरी इंटेंशंस रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दे सकूं। इस लोन लायबिलिटी प्रोजेक्ट पे आपको बहुत बड़े से बड़े बीमे मिल सकते हैं, बहुत बड़े बीमे भी मिल सकते हैं आपको। आप सारे लोग बहुत अच्छा काम करें इस प्रोजेक्ट के ऊपर और इससे बहुत आपको फायदा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूँ। Thank you so much. God bless.